हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं एक नया एपिसोड। तो एपिसोड में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आज के दिन हमारे गांव में दिरखम फेस्टिवल था। तो दिरखम फेस्टिवल में होता ऐसे है कि सभी ग्रामवासी जो है किले में नाच गाने का आयोजन करते हैं, और उसके पश्चात जो है नाचते गाते हुए मुत्ती की ओर जाते हैं। मुत्ती यानी कि पिखंग बंठंग के छत पर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं भी सुबह सुबह तैयार होकर फटाफट शिन्नंग के लिए निकल गया, और उसके बाद मैंने बकरियों के लिए घास डाला और गाय के लिए घास डाला। और उसके बाद मैंने गाय और बकरी को छोड़ना था, फिर दूध निकालना था। और उसके बाद मैंने आज दिरखम फेस्टिवल को थोड़ा शूट करने के लिए जाना था किले में। तो देखते हैं कैसा होता है। मैंने फटाफट बकरियों को घास घूस डाल दिया, और उसके बाद तो मैंने बकरियों को भी छोड़ दिया है दोस्तों, और घास भी डाल दिया है। देख सकते हैं कैसा मार रही है, आए काफ़ी बड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप ये बकरी बच्चा। तो अब दूध निकालता हूँ फटाफट। फिर उसके बाद मैं खाना खुना खा के पहुँच गया किले में। तो यहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर पुजारी जी है जो पूजा पाठ के लिए सामग्री बना रहे थे। तो आजकल विकास जी है, ये मेरे मित्र हैं, तो इनका ट्रेंड है आजकल पूजा पाठ करने का। तो ये बनाना पड़ता है और उसके बाद पूजा पाठ करना पड़ता है। आइए देखते हैं किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। आज का त्यौहार जो है बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, दिरखम त्यौहार। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन जो है सभी ग्रामवासी किले में आते हैं, नाच गाने का आयोजन करते हैं, और उसके बाद नाचते गाते हुए फिर दोबारा मुत्ती यानी कि पिखंग पंठंग के छत पे जाते हैं, जहाँ पर आजकल कुलिश देवता जी विराजे हुए हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आप किले से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है जब आप किले के बरामदे में जाते हैं विजिट करने के लिए। और बाद में जो है किले में आते हैं ग्रामवासी, तो इस जगह पर किले के अंदर ये कमरा है, इस जगह पर जो है नाच गाने का आयोजन करते हैं। किले में चढ़ने और उतरने के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई है, जिसकी मदद से जो है हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जा सकते हैं, उतर सकते हैं। अभी हम नीचे को उतर रहे हैं किले से। तो किले के दूसरे मंजिल पर किले के जो कुल देवता हैं वो रहते हैं, जिनका नाम थोंगथोंगेलवो और प्याकर्शु है। दो देवता जी है ये। तो ये एक अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं। बाहर प्याकर्शु जी है और अंदर थोंगथोंगेलवो जी है। तो आप देख सकते हैं कि बाहर से किला कुछ इस तरीके से दिखता है। और उसके बाद जो है लोग यहाँ पर नाच गाने के लिए आते हैं, ग्रामवासी जो है किले में नाच गाने का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो है लोग किले में नाच गाने का आयोजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के गीतों को गाते हैं। जो सांस्कृतिक गीत है, हमारे पारंपरिक गीत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन गानों को गाते हैं। ये गाने जो इसी दिन गाते हैं, इसके अलावा पूरे साल में कभी नहीं गाते हैं। तो उसके बाद जो है सभी ग्रामवासी नाचते गाते हुए मुत्ती की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर कुलिश्त देवता जी विराजे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे संस्कृति को अच्छे से जानना है, हमारी संस्कृति को, हमारे परंपरा को, हमारे रीति रिवाजों को अच्छे से जानना है, तो आई बटन पर दिए गए लिंक को क्लिक करें और जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको किन्नौर की संस्कृति, किन्नौर के रीति रिवाज, किन्नौर के त्यौहारों के कई सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग दोस्तों।